नमस्कार, मैं हूं लव प्रताप और आप देख रहे हैं सिवान News.in। हम जहां खड़े हैं वो महुआरी पंचायत का विजय हत्ता गांव है, जो कि शहर के उत्तरी पूर्वी छोर पर बसा है। यहां सिवान जिले का प्रतिष्ठित विद्यालय महावीरी सरस्वती विद्या मंदिर भी है और शहर के जाने माने डॉक्टरों का क्लिनिक भी इसी मोहल्ले में है। आपने एक मुहावरा सुना होगा, जमीन आसमान का फर्क। आसमान में लहलहाती हुई इमारतें और ज़मीन पर बहता हुआ पानी को देखकर आपको ये मुहावरा जरूर याद आ जाएगा। लगभग 20 वर्ष पहले सड़क का इंटाकरण हुआ था, उसके बाद कई सांसद आए चले गए, कई विधायक आए और चले गए, कई मुखिया आए और चले गए, लेकिन यह सड़क अपनी बदकिस्मती पे आज भी रोती है। स्थिति इतनी ख़राब है कि प्रतिदिन मरीज यहाँ गंदे पानी को पार करके आते और जाते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस इटाकरण के दाएं और बाएं लगभग 20 फीट गहरी खाई है, जो कि गंदी पानी के वजह से दिखाई नहीं पड़ती है। कुछ डॉक्टर तो अपना हॉस्पिटल का कचरा इसी रोड पर गिराते हैं, जिससे इस संक्रमण वाले युग में लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। इसी सब परेशानियों को लेकर विजय हत्ता के युवकों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और ये कहा कि अगर यह सड़क का निर्माण नहीं होता है तो इस गांव से कोई भी व्यक्ति किसी भी नेता को वोट नहीं करेगा। हम लोग यहाँ के, यहाँ जब बरसात आती है तो गांव के लोग का आना जाना एकदम बिल्कुल बंद हो जाता है। यहाँ पे आए जो मुखिया है वो क्या कर रहे हैं? मुखिया है तो कहाँ मुखिया है, एमपी एमएलए कोई क्या पाता है, कोई कहाँ आता है यहाँ? आप लोगों ने कभी किसी से मांग किया है, कभी कोई आवेदन दिया है कि ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है? बहुत बार सारा लोग से कहता है, सब लोग कहे, हम लोग कहते हैं जब इलेक्शन आता है तब सारा लोग आता है, उसके बाद इलेक्शन बीतने के बाद न एमपी के पता है, न एमएलए का पता है, न मुखिया का पता है, किसी आदमी को पता नहीं है। विजय हत्ता रोड में नामी जामी स्कूल है, महावीर सरस्वती, ठीक है ना, और उसके बाद सारे डॉक्टर लोग हैं इसी रोड में। आज जो है कि रोज पेशेंट ले गाड़ी पलटती है, खाता में लोग रोज गिरता है, इस रोड के बारे में किसी आदमी को कोई चिंता फिक्र नहीं है। सारा लोग दूसरे गाँव 2-3 किलोमीटर हट के दूसरे गांव के रास्ता पकड़ के जाता है मार्केट करने के लिए। अगर ये रोड नहीं बनता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम हम लोग किसी पार्टी को हम लोग वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार करेंगे। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम लोग किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। हमारे किहान पूरे साहब सम बहादुर सिंह के हो गया है एमएलए बनते हुए, बाकी एक भी ईंट हमारे विजय हत्ता गांव के में नहीं रखे। सविता सिंह हो गए एमपी, वो भी एक ईंट झांकने नहीं आई एमपी होने के बाद परेशानी उनका नहीं देखा, नहीं इलेक्शन के आई थी वोट। 20 साल पहले बस इटाकरण हुआ है, उसके बाद इस रोड पे कुछ नहीं हुआ है। हम इलेक्शन का हम लोग बहिष्कार करेंगे, किसी पार्टी को वोट नहीं देंगे, वोट का बहिष्कार हम लोग करेंगे। क्या क्या परेशानी होती है? परेशानी क्या, मरीजों को बहुत दिक्कत हो रही है आने में, हर तरह से परेशानी है। गाड़ी पलट जाती है, मोटरसाइकिल से आने में दिक्कत है, गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं, लोग गालियाँ देते हैं, इधर डॉक्टर जितने लोग डॉक्टर है सबको गालियाँ देते हैं। ये कि इतना वीआईपी कॉलोनी है यहाँ पे, इतना सारा पानी लगा, इतना गंदगी है, इतना बदबू देते हैं, इधर शरीर सब बाहर आ गया है रोड पे, लोग काफ़ी मैंने दिक्कत होती है, लोग काफ़ी परेशान है। आप लोगों ने कभी कंप्लेन किया या बहुत बार कंप्लेन किया था? मैं बहुत बार दिए हैं एमपी साहब, एमपी प्रकाश यादव से बहुत पहले की बोले थे, तो बोले ठीक है हम लोग तो देखते हैं उसको, पास हो गया है। आज 3 साल से सुनते आ रहे हैं कि रोड पास हो गया है, पास हो गया और बन नहीं रहा है। वर्तमान जो विधायक हैं या फिर सांसद हैं या मुखिया हैं आप, उनसे भी कहा गया है, बोले ठीक है देखते हैं, खाली यही कह के रह जाते हैं, देखते हैं क्या करेंगे भगवान जाने। परिचय दे, मेरा नाम राजू कुमार भगत हुआ, यहाँ से फैब्रिक हाउस पोटा क्विबिन आर्टिफिशियल दीवार, भूकंप रोधी, फायर रेजिस्टेंस, लाइट वेट, स्पेस सेविंग, इको फ्रेंडली घर, कम खर्च और कम समय में बनवाए जितेंद्र दुबे से। बड़ा से बड़ा हॉल बिना पिलर के तैयार मात्र 15 दिनों में।